और भी क्या हाल चल सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की मेगा अनबॉक्सिंग में मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड है। तो आज यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा गिटार्स के बारे में। और सिग्मा जो है बेसिकली मार्टिन का एक ब्रांड होता था, एस्टैब्लिश इन 1970। ये ब्रांड मार्टिन ने एस्टैब्लिश किया था टू बीट द कॉम्पिटिशन कमिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज। और यहाँ स्पेसिफिकली बात करें तो 1970s का एरा था जिसमें जापान में से बहुत इंटरेस्टिंग लूथियर्स और ब्रांड्स आ रहे थे जो कि भाई टॉप क्वालिटी गिटार्स दे रहे थे एट एन अफोर्डेबल प्राइस एज कम्पेयर टू द US ब्रांड्स। तो यहाँ पे मार्टिन ने इसलिए ये सिग्मा ब्रांड एस्टैब्लिश किया और ये सिग्मा ब्रांड में जो है अफोर्डेबल गिटार्स बनाते थे। और यहाँ पे 1970 से लेके अराउंड 2007 तक ये गिटार्स जो है जापान में मैन्युफैक्चर हुए, उसके बाद कोरिया में मैन्युफैक्चर हुए, उसके बाद ताइवान में, इंडोनेशिया में। और 2007 में मार्टिन ने ये ब्रांड सेल कर दिया था एक जर्मन कंपनी को जिसका नाम था AMI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और अब AMI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही इस ब्रांड को मैनेज करती है। और सिग्मा गिटार्स जो है एक मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड है। इसके अलावा इनका एक अफोर्डेबल ब्रांड भी आता है जिसका नाम है डिक्सन गिटार्स। तो सिग्मा गिटार्स में आपको बड़े इंटरेस्टिंग मॉडल्स देखने को मिलेंगे विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम CF मार्टिन गिटार्स। और यहाँ पे आपको कुछ मॉडल्स जो हैं वो इवन गिब्सन से इंस्पायर्ड भी देखने को मिलेंगे। तो चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ बीच बीच में कुछ गिटार्स का मैं साउंड चेक भी करूंगा। तो केस जो है बड़ा प्रीमियम लग रहा है और ये मतलब है तो एक तरीके का बैग ही, लेकिन काफी ही प्रीमियम क्वालिटी का थिक पैडेड बैग है। और देखते हैं भाई कौन सा गिटार है इसमें। क्या बात है यार, क्या डिजाइन लग रहा है, बड़ा ही अच्छा डिजाइन है। वाह क्या डिजाइन है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये गिटार देखने में। ये है सिग्मा का DTC 28HE। तो ये जो है काफी प्रीमियम क्वालिटी का गिटार है। और यहाँ पे आपको जो है इसमें एक फिशमैन की पिकअप भी मिलती है, ये फिशमैन की प्रीसेस प्लस पिकअप है। तो भाई बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गिटार मिल रहा है और काफी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का गिटार है। तो यहाँ इस गिटार में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि यूजुअली आपको काफी कम गिटार्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ सबसे पहले लुक की बात करें तो देखो, ऑल दो आपको एक नेचुरल लुक देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी पूरी डिजाइनिंग है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको हेरिंग बोन डिजाइन देखने को मिलता है टॉप पे, और यहाँ बैक में भी जो है काफी बढ़िया जो ये सेंटर सीम है इसमें आपको काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एक वही मार्टिन वाली जो फील है आपको इस गिटार में मिलती है। इसके अलावा मेन स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक सॉलिड स्प्रूस टॉप देखने को मिल जाता है। जो बैक एंड साइड है वो बनी है लैमिनेटेड टीलिया वुड की। जो नेक है इस गिटार का वो बना है महोगनी वुड का। और यहाँ आपको एक काफी अच्छी और कंफर्टेबल नेक प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। जो फ्रेडबोर्ड और ब्रिज है इस गिटार का वो बना है मिकाटा का। और ये जो मिकाटा है दिस इज वेरी सिमिलर टू रिच लाइट जो कि आप कई गिटार्स में देखते हैं। इस गिटार में आपको बोन नट और सैडल देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक 44.5 mm की नट विड्थ देखने को मिलती है विच इज रियली गुड फॉर फिंगर स्टाइल प्लेइंग। और यहाँ स्ट्रिंग्स की बात करें तो इस गिटार में और यहाँ पे जितने भी गिटार्स में शोकेस कर रहा हूँ इन सब में आपको डीडारियो की EXP16 कोटेड स्ट्रिंग्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज जो कि वो एक विंटेज वाइब देती है और वो है ये ग्रोवर के ओपन गियर ट्यूनिंग की। तो यार ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगते हैं, मेरे पास एक गिटार है जिसमें ये है। और यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छी क्वालिटी की ट्यूनिंग कीज देखने को मिलते हैं। तो विंटेज फील भी है और ओवरऑल प्रीमियम क्वालिटी भी है इन ट्यूनिंग कीज की। और यहाँ भाई आपको कुछ चीजें भी मिलती है, एक तो फिशमैन की बुकलेट हो गई, इसके अलावा एक काफी अच्छी एलन की मिलती है, एक स्पेयर जो है आपको ब्रिज पिन मिलती है इसमें। तो सही है यार ये चीजें मिल रही है, लेकिन यहाँ पे गिटार काफी प्रीमियम है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैग है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ आपको एक काफ़ी मतलब अच्छा पैडेड बैग मिल रहा है और ये काफ़ी मतलब एक एक्सपेंसिव बैग ही है। और यहाँ पे आपको एक नेक पिलो भी मिल रहा है इसके अंदर। तो काफ़ी मतलब प्रीमियम क्वालिटी का बैग है, गिटार भी बड़ा प्रीमियम है। चलो एक बार इसका साउंड चेक भी करते हैं। तो ये वाला जो गिटार है ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मॉडल है। चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं इसको। ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो भाई क्या लुक और क्या फील है इस गिटार की। तो ये है सिग्मा का DM SG5। तो भाई लुक वाइज जो है बहुत ही शानदार लग रहा है, चाहे आप पिकगार्ड देख लो चाहे फ्रेडबोर्ड देख लो। तो मतलब यार जिसको भी एक एपिफोन या गिब्सन का हमिंग बर्ड लेना था उसके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें एक 12 स्ट्रिंग वेरिएंट भी आया था
लेकिन सैडली भाई जब तक मैंने ये गिटार्स अरेंज करे तब तक वो सोल्ड आउट था, तो मे बी फ्यूचर में कभी मैं ट्राई करूंगा कि उस गिटार को भी फीचर कर पाऊँ। लेकिन यहाँ चलो एक बार इसके स्पेक्स देख लेते हैं। तो DM-SG5 का जो टॉप है वो बना है सॉलिड सिटका स्प्रूस का, जो बैक इन साइड्स है वो बनी है लैमिनेटेड महोगनी की। इस गिटार में जो नेक है वो भी बना है महोगनी वुड का, और यहाँ जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है मिकाटा का। इसके अलावा इस गिटार में आपको हमिंग बर्ड स्टाइल पैरेललोग्राम इनलेस देखने को मिल जाते हैं। इस गिटार में भी जो सैडल और नट है वो बना है बोन का, और यहाँ पे आपको 44.5 mm की नट विड्थ मिलती है, और इस गिटार में आपको ग्रोवर की डाईकास्ट ट्यूनिंग कीज मिलती है। तो भाई स्पेक्स वाइज काफी ट्रेडिशनल, काफी प्रीमियम है, और यहाँ पे इसमें आपको एक फिशमैन की सोनीटोन पिकअप मिलती है। तो यहाँ पे भाई ये साउंड होल पिकअप है, लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी करी है सिग्मा ने इस गिटार में वो है कि यहाँ साइड में जो है बैटरी कंपार्टमेंट नहीं दिया, जो कि यूजुअली आपको सोनीटोन पिकअप सिस्टम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो बैटरी है वो अंदर की तरफ ही प्लेस की गई है, तो ये चीज मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भाई जितने मिनिमम कट्स लगे गिटार में उतना बढ़िया है मेरे हिसाब से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट गिटार पे, और ये भी जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग गिटार है, तो इसकी भी जो है फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यार ये भी बड़े ही प्रीमियम से बैग में आता है, उसी तरीके का बैग है जैसा कि पिछले वाले गिटार का था, और इसको भी देखते हैं कौन सा है ये। यार ये तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, बहुत ही सही है, वाह देखो यार क्या गिटार है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये है सिग्मा का DT42, और भाई मतलब बहुत ही खूबसूरत गिटार है। इस तरह के गिटार अब तक तो मैंने नहीं फीचर किया चैनल पे, मतलब यहाँ पे आपको इतनी डेकोरेशन देखने को मिल रही ना इस गिटार पे, काफ़ी सही है। और इधर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब यहाँ एबलॉन बाइंडिंग है टॉप पर, इसके अलावा ब्रिज पे भी जो है आपको एबलॉन स्नोफ्लेक इनलेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इनलेस बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे आपको यार बड़ी अच्छी वो विंटेज स्टाइल जैसे मार्टिन में वोलूट होती है वो मिल रही है। इसके अलावा आपको गोल्डन कलर की वही ग्रोवर की ओपन गेट ट्यूनिंग की मिल रही है। तो यहाँ पे DT42 के स्पेक्स की बात करें तो यहाँ जो टॉप है वो बना है सॉलिड सिटका स्प्रूस का, जो बैक इन साइड है वो बनी है लैमिनेटेड टीलिया की, और जो नेक है इस गिटार में वो बना है महोगनी वुड का। इस गिटार में भी आपको जो है मिकाटा का फ्रेटबोर्ड और ब्रिज मिलता है। इस गिटार में भी जो नट और सैडल है वो बना है बोन का, और इस गिटार में भी जो नट विड्थ है वो है 44.5 mm। तो यार बड़े इंटरेस्टिंग स्पेक्स है, मतलब बहुत ही यूनिक गिटार्स है। इस तरह के गिटार्स अब तक मैंने चैनल पे नहीं फीचर करे। तो अभी तक मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स खोले थे, और रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है कि भाई हाई एंड प्रीमियम गिटार है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे अब एक ट्रायंगुलर बॉक्स खोलते हैं, और ये भी कोई सस्ता गिटार नहीं है, ये जो है मिड रेंज सेगमेंट का गिटार है। तो फटाफट चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कौन सा गिटार है इसके अंदर। क्या लुक है यार, मतलब बहुत ही शानदार गिटार लग रहा है ये। और ये है सिग्मा का OMTC-1E इन सनबर्स्ट फिनिश, तो भाई बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही सही। मतलब मेरे को सिग्मा में ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, आपको वो ट्रेडिशनल मार्टिन वाली पूरी वाइब देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको जो है मतलब लुक काफ़ी बढ़िया मिल रही है। इसमें जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो इस गिटार में भी आप देख सकते हो जो लुक और फील है वही DT42 मॉडल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनबॉक्स किया था, उस तरीके की आपको लुक और फील मिल रही है, वैसे ही तरीके के आपको इनलेस देखने को मिल रहे हैं। तो यार ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मतलब छोटी सी चीज़ है लेकिन डिज़ाइन वाइज मेरे को काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पे एक बार स्पेक्स की बात करें तो ये जो OMTC-1E है इसमें जो टॉप है वो बना है सॉलिड सिटका स्प्रूस का, जो बैक इन साइड्स है वो बनी है टीलिया की। इस गिटार में भी जो नेक है वो है महोगनी वुड का। इसके अलावा फ्रेटबोर्ड और ब्रिज बने हैं मिकाटा का, और इसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया स्नोफ्लेक इनलेस देखने को मिल जाते हैं फ्रेटबोर्ड और ब्रिज पे। इसके अलावा इस गिटार में जो नट और सैडल है वो है बोन का, और इस गिटार में भी आपको 44.5 mm की नट विड्थ मिलती है, और इस गिटार में आपको प्रीमियम डाईकास्ट ट्यूनिंग की देखने को मिलती है विद सिग्मा ब्रांडिंग। और यहाँ पे भी आपको जो है एक
फिशमैन का प्रीसेस टू पिकअप मिल रहा है, तो भाई स्टेज रेडी है और यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब एक हैप्पी फीलिंग होगी इस गिटार को होल्ड करने में, मतलब मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब जो ये गिटार है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इसमें आपको थोड़े से डिफरेंट स्पेक्स देखने को मिलते हैं, तो चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो भाई ये जितने भी प्रीमियम गिटार्स हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से बैग में आ रहे हैं, सेम बैग है, लेकिन यार बड़ा दिल खुश हो रहा है कि इस तरीके की क्वालिटी है बैग की, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई ये गिटार भी बड़ा ही जबरदस्त है, मतलब देख के तबीयत खुश हो जाती है। तो भाई ये देखो क्या गिटार है ना भाई, क्या लग रहा है। और ये जो है एक ऑल महोगनी गिटार है, तो ये है सिग्मा का S000M15E और ये बेसिकली एक ट्रिपल ओ बॉडी डिजाइन है। और इसमें आपको ऑल दो जो है एक काफी सिंपल लुक देखने को मिलती है बॉडी में, लेकिन वही आपको काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग डिजाइन देखने को मिलता है ब्रिज पे और फ्रेटबोर्ड पे। तो यार यहाँ पे इस गिटार के स्पेक्स की बात करें तो सिग्मा S000M15E में आपको एक सॉलिड महोगनी टॉप विद सॉलिड महोगनी बैक एंड साइड्स देखने को मिलती है। इस गिटार का जो नेक है वो है महोगनी वुड का। इस गिटार में भी जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है मिकाटा का। और यहाँ पे आपको भाई बहुत बढ़िया स्नोफ्लेक इनलेस फ्रेटबोर्ड और ब्रिज पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो सैडल और नट है वो बना है बोन के, लेकिन यहाँ पे जो नट फिट है वो आपको मिलती है 42.9 mm की। तो स्पेक्स और लुक काफी ट्रेडिशनल है, मतलब यार यहाँ पे ना ये फ्रेटबोर्ड डिजाइन जो है और यहाँ ब्रिज पे जो डिजाइन है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मतलब दिल खुश हो जाता है इस तरह के गिटार देख के। और यहाँ पे आपको विंटेज स्टाइल ट्यूनिंग कीज मिल रही है विद वाइट बटन्स, तो ये भी जो है काफी मतलब वो एक पूरा विंटेज वाइब देने के लिए बनाया है। और इसमें भी आपको ओपन गियर ट्यूनिंग कीज मिल रही हैं, विच इज़ रियली नाइस। और यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज कि इस तरीके की आपको जो है वलूट मिल रही है, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है, मतलब मार्टिन गिटार्स में होती है और ये जो है हर ब्रांड इस तरीके की वलूट ऑफर नहीं करता, तो ये चीज़ जो है काफ़ी एक यूनिकनेस है सिग्मा गिटार्स में। इसके अलावा इस गिटार में भी आपको जो है एक फिशमैन प्रीसेस प्लस पिकअप मिलती है, तो यार दिस इज़ अ रियली नाइस टच कि ये आप जो है माइक करके स्टूडियो में रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको परफॉर्म करना है तो यहाँ ये फिशमैन पिकअप भाई बड़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए। अब जो नेक्स्ट गिटार मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ ये भी एक मिड रेंज सेगमेंट का अकूस्टिक गिटार है, और इसका भी जो है आपको एक यूनिक कलर और डिजाइन देखने को मिलता है। तो ये भी बड़ा सही है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग गिटार है, और ये जो है एक मतलब ग्रैंड ऑडिटोरियम टाइप शेप लग रही है। तो ये है सिग्मा का GMC STE BKB, और यहाँ पे आपको जो है भाई एक बड़ी अच्छी सी थ्रू ब्लैक टाइप फिनिश मिल रही है। और यहाँ पे शेप की बात करें तो ये एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा मॉडल कटअवे डिजाइन है। तो भाई अब तक ग्रैंड ऑडिटोरियम तो मैंने बहुत सारे रिव्यू करे, ग्रैंड कॉन्सर्ट भी करे, लेकिन पहली बार है कि एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा मॉडल कटअवे डिजाइन जो है वो मैं देख रहा हूँ। तो ये एक बड़ी यूनिक शेप है और काफ़ी भाई कंफर्टेबल रहेगी, और साउंड वाइज भी जो है काफ़ी आपको अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन मिलेगा इससे। तो यहाँ चलो फटाफट एक बार इसके बेसिक स्पेक्स की बात कर लेते हैं। इस गिटार का जो टॉप है वो बना है सॉलिड सिटका स्प्रूस का, जो बैक एंड साइड्स है वो बनी है लैमिनेटेड महोगनी की। इस गिटार का जो नेक है वो है महोगनी वुड का। इसके अलावा जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है मिकाटा का। और इस गिटार में भी आपको बोन नट एंड सैडल देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको 44.5 mm की नट विड्थ मिलती है। और इस गिटार में आपको प्रीमियम डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिलती है विद सिग्मा ब्रांडिंग। तो भाई स्पेक्स काफी सही है। इसके अलावा आपको इसमें एक फिशमैन की प्रीसेस 2 पिकअप मिलती है, तो एक मिड रेंज गिटार के हिसाब से आपको काफी स्टैंडर्ड स्पेक्स मिल रहे हैं। और भाई लुक जो है काफी ही प्रीमियम है, और इस तरीके की फिनिशेस अगेन आपको बहुत कम गिटार्स में देखने को मिलती है। तो चलो भाई वापस आ जाते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स पे, तो अगेन यहाँ पे कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, तो फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन सा यूनिक गिटार है सिग्मा का इसके अंदर। तो यहाँ पे अगेन एक बड़ा ही गुड लुकिंग गिटार है, और ये है सिग्मा का SDM-10E, और ये जो है मतलब यार मैट फिनिश में है, मैट सैटिन फिनिश कहूँगा रादर, और इसमें भी आपको काफ़ी एक ट्रेडिशनल लुक एंड फील मिलती है। तो यहाँ पे वैसी आपको इनलेस देखने को मिल रहे हैं जैसे कि DT-42 गिटार में देखने को मिल रहे थे, और यार काफ़ी बढ़िया लग रही है इनलेस ना, मतलब ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगेन विंटेज ट्यूनिंग कीज भी है इसमें, तो चलो एक बार इसके भी स्पेक्स देख लेते हैं। इस गिटार में आपको एक सॉलिड सिटका स्प्रूस टॉप मिलता है विद सॉलिड महोगनी बैक इन साइड,
इस गिटार का नेक भी महोगनी वुड का बना है। यहाँ पे जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है मिकाटा का, और यहाँ पे आपको बोन नट एंड सैडल मिलती है विद अ 44.5 mm नट विड्थ। तो इसमें भी आपको काफी ट्रेडिशनल स्पेक्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको LR बैग्स के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कट नहीं है साइड में, और यहाँ पे इधर एक साउंड होल पिकअप लगी हुई है। तो ये चीज़ बड़ी यूनिक है इस गिटार में कि आपको जो है एक LR बैग्स की पिकअप मिल रही है। तो अब करते भाई फाइनल अनबॉक्सिंग, और ये जो है भाई एक अफोर्डेबल सिग्मा का गिटार होने वाला है। देखते हैं कौन सा गिटार है इस बॉक्स में। ओके भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग डिजाइन है हेडस्टॉक पे। तो ये है सिग्मा का DT-CE, और ये जो है बहुत ज्यादा ऐसा डेकोरेटिव सा गिटार नहीं, जितने भी अभी मैंने गिटार्स देखे उसके कंपैरिजन में ये एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल गिटार है। तो यहाँ आपको एक सॉलिड टॉप मिल रहा है, और टॉप साइड से यहाँ पे बेंड किया गया है। तो दिस इज मोर लाइक अ मार्टिन एक्स सीरीज, जैसे मार्टिन एक्स सीरीज का गिटार होता है उस तरीके का गिटार है ये। और यहाँ चलो एक बार स्पेक्स की बात कर लेते हैं। इस गिटार का जो टॉप है वो बना है सॉलिड सिटका स्प्रूस का, जो बैक इन साइड्स है वो बनी है टीलिया की, जो नेक है वो बना है महोगनी वुड का, और इस गिटार में भी जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है मिकाटा का। इस गिटार में भी आपको बोन का नट और सैडल मिलता है, लेकिन यहाँ पे नट विड्थ है 42.9 mm, और इस गिटार में आपको प्रीमियम डाईकास्ट ट्यूनिंग की देखने को मिलती है विद सिग्मा ब्रांडिंग। इस गिटार में आपको सिग्मा का एक स्टॉक पिकअप मिलता है विद 3-band इक्वलाइजर एंड अ बिल्ट इन ट्यूनर। तो ये जो DT-CE मॉडल है ये सिग्मा का एंट्री लेवल मॉडल है। अब सिग्मा जैसा मैंने आपको बताया था कि एक प्रीमियम ब्रांड है, और इसमें आपको भी बहुत सारे हाई एंड क्वालिटी के गिटार्स देखने को मिलते हैं। तो 26,000 से 28,000 की प्राइस रेंज में जो है सिग्मा के गिटार्स की रेंज स्टार्ट होती है। तो ये एक सिग्मा का काफी अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है, और भाई देखो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आपको जो है काफी ट्रेडिशनल स्पेक्स मिल रहे हैं, और ओवरऑल लुक भी जो है काफी सिंपल है और काफी एलिगेंट सी, मतलब ये जो हेडस्टॉक डिजाइन है काफी बढ़िया लगा मेरे को इस गिटार में। तो भाई बहुत मजा आया मेरे को यहाँ पे ये सिग्मा के गिटार्स अनबॉक्स करने में, बड़े ही यूनिक डिजाइंस थे, इस तरह के गिटार मैंने अब तक चैनल पे नहीं फीचर किए। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा गिटार सबसे ज्यादा पसंद आया। आगे जो है कुछ कुछ सिग्मा के गिटार्स के मैं डेडिकेटेड रिव्यू जरूर लाऊंगा। इसके अलावा भी कोशिश करूंगा कि 12-string गिटार जो है सिग्मा का वो भी मैं फीचर कर पाऊँ चैनल पे। बाकी आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।